नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विपिन कुमार एडवोकेट हैं, जो बहुजन समाज के बहुत सारे केसों को भी बहुत सारे फ्री में लड़ते हैं और बाबा साहब की बात हो तो उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। विपिन जी, एक बात बताइए, आज बाबा साहब का महापरिणाम दिवस है और इस पर इतनी कम भीड़ भी आप देख रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, 14 अप्रैल से भी ज़्यादा भीड़ होनी बड़ी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको क्या बोलेंगे आप? मैं इस पर दुख प्रकट करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी मान शक्ति के, सबसे पहले तो मैं उनके परमाणु दिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ, नमो बुद्धाय बोलता हूँ और उनकी शान में एक बात कहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, ऐसा ना कोई हुआ बाबा साहब के बराबर ना कोई होगा। हमने बाबा साहब को बहुत संकुचित कर दिया है, एक 10 रुपये की पर्ची, चंदे की पर्ची बना के छोड़ दिया, एक दलित तक ही सीमित रख दिया, जबकि वो बहुत महान है और उनका विजन बहुत बड़ा है, पूरे विश्व के लिए था, खाली देश के राष्ट्र के लिए नहीं, उन्होंने सभी के लिए काम किया और महिलाओं के लिए खासकर, लेबर के, रिजर्व बैंक उनके उस पर बना, इतने काम किए हैं कि जिनको आज उनको पता ही नहीं है, और OBC क्लास के लिए तो उनको संकुचित दायरे में नापा जा रहा है, जबकि वो बहुत बड़ी शक्ति है, उनको किसी शब्द में नहीं, जस्ट लाइक सन है वो, और रिजर्व में उनको उससे बना। और आज जो भीड़ देख करके कम है, कि ये दुख इसलिए हो रहा है कि बाबा साहब ने जो हमें फैसिलिटी दी, हम उनको खा करके आराम से वो शिकार मार के चले गए थे और हम डकार नींद सो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत खतरनाक वो है, संकेत है। अगर एक एक, मेरा ये दावा है कि एक एक आदमी दिल्ली से या कहीं से भी, एक एक आदमी भी दिल्ली से आए तो यहाँ खचाखच भरा हो, जगह नहीं मिले और पता चल जाए कि हमारा नेता कौन, हमारे महापुरुष हुए जो उनके महानता के पर हो जाए, तो ये बड़े दुख की बात है। और क्यों नहीं हो रहा है, मुझे, मैंने जो महसूस किया है अपनी लाइफ में भी यहाँ तक भी, कि सबसे पहले मैं ये संदेश देता हूँ, सॉल्यूशन प्रॉब्लम तो बहुत है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा उनका, तो सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। मैं ऐसे परिवार से, वैदिक का थोड़े बोलूँ, मेरे परिवार से था जहाँ मेरे दादाजी ने सन 1900 जब बाबा साहब 1920 में से बीड़ा उठाया कि जो अपना पुश्तैनी काम पहले वो छोड़ो, और उन्होंने साथ में सॉल्यूशन दिया कि ये काम करो जो मैं करता हूँ, उनको सब कुछ सिखाया, उन्होंने क्रांति लाई। मेरे पिताजी फिर दिल्ली में आए, बाबा साहब से मिलते रहते थे, वो मिनिस्ट्री में रहे, फिर आज जो है उन्हीं की मेहरबानी से, पर्सनल में कहूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी IAS बनी इसी साल, ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है, और छोटी बेटी, बड़ी बेटी मेरी डिप्टी मैनेजर है यूनियन बैंक में, और मैं खुद बैंक से रिटायर हूँ, रिजर्व बैंक से, तो ये उन्हीं का है, मैं उन्हीं को श्रेय देता हूँ, उनका हम कर्जदार है, कभी नहीं उतार सकते, लेकिन ये कि हम पे बैक सोसाइटी को दें, अपने समाज को दें, समाज को जगाएँ। सबसे पहले जो तीन मूल मंत्र बाबा साहब ने दिए थे, हम उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहीं देखता हूँ बैनर पे लिखे देता हूँ कि शिक्षित बनो, और दूसरे नंबर पे लिखा होता है संगठित बनो, और तीसरे पे संघर्ष लिखा होता है, जबकि उनका जो ऑर्डर है, पहले है शिक्षित बनो और दूसरा है संघर्ष करो, तीसरा है संगठित करो। मैंने ये प्रैक्टिकल देखी है, जब हम संघर्ष करते हैं तभी एकता होते हैं। अभी 2 अप्रैल को जो हुआ तो हमारे अंदर, हमने जब संघर्ष हुआ, हमें हमारे ऊपर कोई चीज़ आ पड़ी, हमने संघर्ष किया तो तभी एकता बनी, तो इसलिए हम एकता नहीं हो पा रहे कि हम दूसरे नंबर पर जो मूल मंत्र हमने कहा कि भाई संगठित हो जाओ, ऐसा संगठित होता आज तक फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। और हमारे लोगों में से जो डबल स्टैंडर्ड है, जो चमचा योग साहब का हमने कहा था कि जो MLA MP आ रहे हैं, हमारे अफसर बन रहे हैं, वो चमचा योग है, वो चमचे बन के रह गए हैं, हमारे नहीं कर रहे, नहीं तो एक दिन वो रिजाइन करके थे, एक दिन बोले तो सही, हिल जाए सरकार, तो एक सेकंड में गिर जाए सरकार, लेकिन उनको अपनी पेंशन प्यारी है, MP MLA रहेंगे। बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप थे हमारे साथ विपिन कुमार जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इस दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा ना कोई शख्स हुआ है ना कोई होगा, और बाबा साहब के जो मंत्र थे उसमें था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो आज बहुत पीछे होता जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे, और जो उनका मूल मंत्र था वो बिल्कुल पीछे छूटता जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमें बाबा साहब के उस मिशन को, उस चीज़ों को, उन आंदोलनों को आगे बढ़ाना होगा। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल जुड़ने का। और दूसरा है कि एक मूल मंत्र ये भी दूंगा जी सर, कि अपने आप को बदल लो जी, तो सब बदल जाएगा जी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे संसार को बदलें, लेकिन अपने आप को बदल लिया, आपको बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। ठीक है, इन्होंने कितनी अच्छी खूबसूरती से बात बोला है कि आप दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदल लें तो पूरा दुनिया बदल जाएगी।